मंथ्स हो गए हैं, आपका कोई मेजर वीडियो नहीं आ रहा है, यहाँ इतनी गर्मी है कि भैया पूरा मैक्स एसी करने के बाद भी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम हैं संबलपुर में और ऑलमोस्ट ईयर बाद आज हमारी गाड़ी में जो है सीक्वेंशियल इंडिकेटर इंस्टॉल होने वाला है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि गाड़ी का जो है हर पार्ट और पुर्जा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो अभी जो है हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, यहाँ इतनी गर्मी है कि भैया पूरा मैक्स एसी करने के बाद भी जो है केबिन ठंडा नहीं हो रहा। तो अभी मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं, आपका कोई मेजर वीडियो नहीं आ रहा है या आप कोई शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या ऐसा क्यों है, व्हाई यू आर नॉट रिलीजिंग एनी वीडियोस एंड ऑल। तो आप सबसे मैं एक इंफॉर्मेशन या एक मुद्दा जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक्चुअली हुआ ये कि हमने आपके लिए बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर रखी थी। फॉर एग्जांपल हमने ब्रेक पैड का वार्निंग आना, ब्रेक पैड वर्न आउट का जो सेंसर सेंस करता है एंड उसका जो मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाया था विद इन ट्रिप टू औरंगाबाद, वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर वॉज अनदर सीरीज फॉर औरंगाबाद ट्रिप जिसमें मैंने एलोरा कवर किया था एंड मैंने कृष्णेश्वर टेम्पल का ट्रिप कवर किया था। एंड देयर वॉज अनदर ट्रिप फॉर श्रीशैलम जो हम आंध्र प्रदेश में गए थे कर्नूल के पास, उसके लिए भी हमारे जो फ्रेंड है राकेश, उनके चैनल में उन्होंने वीडियोस भी डाले हैं। उस ट्रिप में हम साथ में ही गए हुए थे एंड हमने उसका भी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था अनफॉर्चुनेटली। एंड इसके बाद एक और ट्रिप भी था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट वाज ओमकारेश्वर ट्रिप। एंड उसमें हमारा जो रोड कंडीशन, ड्राइविंग कंडीशन, कन्नड़ घाट का कंडीशन, कन्नड़ घाट के बाद धुले तक का रोड कंडीशन, सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया हुआ था। एंड इट वाज समवेयर अराउंड वीडियोस ऑफ ऑलमोस्ट 150 GB अराउंड। अनफॉर्चुनेटली जब मैं उसे मैक में ट्रांसफर कर रहा था, फॉर सम रीजन इट गॉट हैंग एंड देयर वाज अ मैसेज सेइंग दैट द वीडियोस आर करप्टेड एंड ऑल। तो somehow वो वीडियोस करप्ट हो गए एंड ट्रांसफर नहीं हो पाया। कुछ वीडियोस मैंने ट्रांसफर कर लिए थे, कुछ मैं वेट कर रहा था ताकि उनका कंक्लूजन या उनका एंड पार्ट मैं रिकॉर्ड कर लूं एंड पूरा सीरीज आपको एक साथ अपलोड करके दे दूं। तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। लेकिन दैट वॉज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो मेरे साथ हो गया। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने जितनी भी ट्रिप्स की, जितने भी वीडियोज कंटेंट रिकॉर्ड्स बनाए, वो लॉस्ट हो गए, वो करप्ट हो गए। तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू ऑल माई व्यूअर्स दैट इट हैपेंड। एंड इन ऑर्डर टू एड्रेस दैट इश्यू, अभी मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि हम डेडिकेटेड डिवाइसेस यूज करेंगे ट्रिप वीडियोस, ट्रिप व्लॉग्स, वीलॉग्स बनाने के लिए। एंड टिल नाउ आई वाज डूइंग इट इन आईफोन एंड मुझे लगता था कि इट्स मोर देन एनफ क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती थी, इट वाज एचडी क्वालिटी एंड जो अपना आईएसओ वगैरह है बहुत सही तरीके से हम एडजस्ट कर पाते थे एंड फोकस वगैरह भी। तो मुझे कोई ऐसे एज सच इतना हाईली प्रोफेशनल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई वांट टू मेक गुड कंटेंट देन आई शुड पे अटेंशन टू द डिवाइस एंड देयर यूसेजेस, द मेमोरी पार्ट एंड वेरियस डिफरेंट टेक्निकल।
So it is an off-road trail that a long time back I used to come in my I-20 and I never dare to jump into because of low ground clearance. लेकिन इसमें तो भाई सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है. और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, इट इज ऑल सैंड एंड गाड़ी फंसी ना तो फंसी भाई. We are in the Hirakud Dam bed. This in rainy days, this area used to be filled with lots of water, lots and lots. Like where I landed into this, what you can say. तो यहाँ पे ये पानी रहता है. ये जो बेड है ये पूरा पानी से भरा होता है. ये आप देख सकते हैं, अभी पानी पूरा रिसीड कर गया है ड्यू टू समर. एंड उधर जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं वो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एंड उसका अलग ही फन है इन रेनी डेज. सो वी विल नाउ क्लाइम बैक फ्रॉम दिस रिवर बेड बैक टू आवर मेन रोड. लेट्स सी. मुझे तो बिलीव है कि गाड़ी फ्लॉलेसली परफॉर्म करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है एज सच. और थोड़ा ऑफ रोड करते अगर कोई साथ में होता, कोई दोस्त होते साथ में, क्योंकि दो गाड़ी होना ऐसी जगह में थोड़ा मेरे लिए तो ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव वेरी वेरी लेस एक्सपीरियंस विथ ऑफ रोडिंग एंड ऑल. तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई जब जाओ साथ में बैकअप लेके जाओ, बिकॉज अकेले करना अलग बात है, लेकिन कहीं फस फुस आ गए तो कम से कम निकालने के लिए तो कोई होना चाहिए ना. सो दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट माय इंस्टिंक्ट कि कोई साथ में हो तो ज्यादा बेहतर है. एंड अभी जो है मैंने क्या किया है, मैंने ऑल व्हील ड्राइव एंगेज कर दिया है. एंड आई वॉन्टेड टू सी कि पीछे वाले में कितना पावर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, बट नॉट दैट मच, इट्स वेरी मिनिमल. इतना ज़्यादा पीछे में नहीं जा रहा है. एंड ये जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे अप एंड डाउन है, जिसमें I-20 में तो करना मुश्किल ही होता था. इसमें तो बहुत ही आराम से एकदम चढ़ जाओ उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. अभी हम OAWD को बंद कर देते हैं, नो मोर रिक्वायर्ड. हाँ चलो भैया, अब चलते हैं वापस अपने वास स्थान, घर, मंदिर, जो भी बोलो आप उधर. और वीडियो को आपके लिए तैयार करते हैं. बहुत महीनों बाद हम कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा. एंड आई होप कि यू गाइस विल एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. बाय द वे वो जो टियागो मेरे सामने जा रही थी जब मैं आ रहा था टुवर्ड्स दिस प्लेस, भाई को रिवर्स लगाने में इतना ज़्यादा ईगो था भाई. ड्राइवर ने मेरे पूरा पास ला के गाड़ी लगा दी और भाई साहब उनको तकलीफ थी रिवर्स गियर लगाने में. या तो टियागो एनर्जी उनके वाले गाड़ी में रिवर्स गियर काम नहीं करता होगा, या फिर आई डोंट नो व्हाट शुड आई कमेंट अबाउट. तो ठीक है, हमने बोला ओके, हमें थोड़ा सा जगह दीजिए, रिवर्स करते वक्त सामने का जो बम्पर है वो टकरा जाएगा. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं निकल जाएगा. तो मैंने बोला ओके भाई, जैसी आपकी मर्जी. हमने अपना स्टीयरिंग घुमा लिया, हम रिवर्स कर गए. भाई हमें तो निकलना था, हम थोड़े यहाँ किसी से लड़ने झगड़ने आए.
बस उनका रिवर्स गियर काम नहीं करता, ये जान के थोड़ी सी हैरानी हो गई। तो सामने जो है ये हिराकुड डैम दिखने वाला है। आई थिंक प्रॉपरली तो नहीं दिखेगा बिकॉज रात हो गया है, लेकिन मैं जो लोकेशन की बात कर रहा था जहाँ पे मैंने शूट किया, दैट इज माय फेवरेट लोकेशन। मैं जब भी घर आता हूँ, अगर मुझे कभी टाइम पास करना होता है, अकेले बैठना होता है, कुछ चिंतन करना होता है, देन आई यूज टू कम हियर। मैं गाड़ी लेके यहाँ तक आ जाता हूँ एंड देन देखिए सामने जो लाइट, एक लाइन ऑफ लाइट्स दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली द हिराकुड डैम। एंड बहुत ही सुंदर है, खासकर बारिश के दिनों में बड़ा मजा आता है देखने के लिए। मैं यहीं से कट लेता हूँ, अंदर तो रिकॉर्डिंग वगैरह मना है तो हम नहीं जाएंगे अंदर, लेट्स फॉलो द रूल्स। लेकिन हाँ, मैं जो लोकेशन की बात कर रहा था, दैट इज द राइट डाइक, बैक वाटर ऑफ हिराकुड डैम। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, अगर थोड़े जल्दी आता तो शायद मैं आपको और थोड़ा डिटेल में वहाँ के आसपास के लोकेशन दिखा सकता था, डिब्रूगढ़ के एंट्री पॉइंट तक ले जा सकता था। लेकिन अभी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पूरा अंधेरा रहेगा। एंड आजकल क्या किए हैं, जो डाइक के ऊपर से जाने का रास्ता था उसको बंद कर रखे हैं एंड यू हैव टू टेक द विलेज रोड, तो वो रोड भी उतना अच्छा नहीं है। आई मीन यू हैव टू गो थ्रू वेरी नैरो रोड एंड बीच बीच में वो टूटे फूटे भी थे, शायद वो अभी मरम्मत कर दिए हों, लेकिन वो टूटे फूटे थे तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो देयर, लेकिन